एडसेंस में यूएस टैक्स फॉर्म भरते वक्त किसी और का पैन कार्ड लगा के क्या हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या जिसका नाम पर अकाउंट है उसी का जो है पैन कार्ड लगेगा? इसको लेकर काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं, तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या यूएस टैक्स फॉर्म में हम किसी और का पैन कार्ड लगा के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। सबसे पहले दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट किया कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव सहानी और आपका स्वागत है टेक्नो गुरुदय यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों देखिए, जो भी यूट्यूबर हैं या ब्लॉगर हैं, सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर अर्निंग या एड शो करने के लिए जो है एडसेंस से लिंक करना होता है। और एडसेंस में दोस्तों एक नया फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आ गया, जो कि है यूएस टैक्स फॉर्म। अगर आप यूएस टैक्स फॉर्म को नहीं फिल करते हैं तो वर्ल्ड वाइड जो भी व्यूज आते हैं उन पर जो है यूएस 30% टैक्स लगाएगा। जो भी आपकी अर्निंग होगी उस पर जो है 30% का टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप यूएस टैक्स फॉर्म भर देते हैं अपने एडसेंस में, तो आपकी जो केवल यूएस व्यूज से जो है अर्निंग होगी उस पर केवल 15% जो है टैक्स लगेगा, क्योंकि हमारा इंडिया ऑलरेडी जो है टैक्स ट्रीटी है यूएस के साथ। तो ये जो है काम करना है आपको एडसेंस में। लेकिन अब जो है कितने लोगों के पास उनका पैन कार्ड ही नहीं है, और कितने लोग जो है अभी अंडर 18 है, मतलब कि अंडर 18 है तो उनके पास पैन कार्ड बनेगा नहीं। बहुत लोग पता नहीं कैसे बनवा ले रहे हैं, लेकिन अंडर 18 का जो है पैन कार्ड शायद नहीं बनता है। तो मान लीजिए दोस्तों कि जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, वो एडसेंस में जो है चाहते हैं कि अपने घर का किसी का जो है पैन कार्ड लिंक कर एडसेंस को वेरीफाई कर लें और एडसेंस का यूएस टैक्स फॉर्म भर लें। तो ऐसे में क्या होगा? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो हमारा एडसेंस अकाउंट रहता है उसे जो है अंडर 18 के एज वाले नहीं बना सकते हैं, 18 या 18 प्लस के एज वाले बना सकते हैं और उसमें जो है अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर जो है आपका पैन कार्ड नहीं है तो आप अंडर 18 हैं और आप जो है एडसेंस का यूज नहीं कर सकते। और अगर आपके पास पैन कार्ड वैसे भी नहीं है, आप अपना पैन कार्ड अभी तक नहीं बनवाए हैं और एडसेंस का यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों गूगल जो है एडसेंस को लेकर काफ़ी एक्टिव है। अगर आप एडसेंस में यूएस टैक्स फॉर्म में जो है किसी और का पैन कार्ड लगाकर फॉर्म को भरेंगे तो फॉर्म तो उस समय फिल हो जाएगा, आपको लगेगा कि फॉर्म फिलअप हो गया, अब मेरी जो है पेमेंट आएगी। लेकिन पेमेंट भेजने से पहले अगर उसने जो है इन्फॉर्मेशन को मैच कराया तो आपका अकाउंट क्लोज हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है कि आप यूएस टैक्स फॉर्म भरते वक्त उसी व्यक्ति का पैन कार्ड लगाइए जिसका एडसेंस है, जिसका बैंकिंग डिटेल जो है आपको उसमें डालना है। क्योंकि दोस्तों जो यूएस टैक्स फॉर्म रहता है, आपको पता है कि वो बैंक से रिलेटेड जो है काम के लिए जो है फिलअप करवाया जा रहा है। तो दोस्तों इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एडसेंस अकाउंट तो क्रिएट कर लिए लेकिन उनका पैन कार्ड नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पैन कार्ड अप्लाई कर दीजिए। आपका पैन कार्ड जो है बहुत ही जल्दी बनकर आजकल आ जा रहा है, तो आप जो अपने पैन कार्ड को बनवा कर ही यूएस टैक्स फॉर्म फिलअप कर दीजिए। वहां पर किसी और का जो है यूएस टैक्स फॉर्म जो है पैन कार्ड डालने की कोशिश मत कीजिए, वरना जो है आपका एडसेंस डिसअप्रूव या क्लोज हो सकता है। और साथ ही में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप अंडर 18 है, आपका पैन कार्ड नहीं बना है या एडसेंस अकाउंट नहीं बना है, तो आप जो है अपने घर के किसी मेंबर के नेम पर एडसेंस बनाइए, उनका पैन कार्ड ही लिंक कीजिए और उनका बैंक डिटेल्स ही एडसेंस में लिंक कीजिए। कभी भी एडसेंस में अलग अलग इन्फॉर्मेशन वाले डॉक्यूमेंट्स फिल नहीं करने चाहिए। जिसके नाम पर आपका एडसेंस अकाउंट बना है, जिसका बैंक अकाउंट आपका लिंक है एडसेंस में, उसी के नेम का जो है डॉक्यूमेंट आपको एडसेंस में लगाना है। सीधा सीधा कहने का मतलब यही है। कुछ लोग दोस्तों आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में किसी और का डॉक्यूमेंट वहां पर लगा दे रहे हैं, यूएस टैक्स फॉर्म में किसी और का पैन कार्ड लगा दे रहे हैं, तो ये जो है करना बंद कर दीजिए, एक गलत तरीका है। इससे जो है आपका एडसेंस डिसअप्रूव हो जाएगा और बाद में आपको जो है फिर शायद एडसेंस बनाने का मौका ही ना मिले, क्योंकि एक व्यक्ति का एडसेंस आपको पता है कि एक ही बार अलाउ है बनाना। उसके बाद अगर आपका गलती से एडसेंस क्लोज हो जाता है तो आप दोबारा से एडसेंस अकाउंट नहीं बना पाएंगे, आपको किसी दूसरे मेंबर के नेम पर ही बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों एडसेंस में यूएस टैक्स फॉर्म में पैन कार्ड को लेकर ये छोटा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट था जिसको मैंने क्लियर कर दिया। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसका पैन कार्ड रहे उसी के नाम पर एडसेंस बनाए, या जिसका एडसेंस आपने बनाया है उसी का बैंक अकाउंट लिंक करे, उसी का डॉक्यूमेंट आपको वहां पर सबमिट करना है, किसी अदर का डॉक्यूमेंट वहां पर अलाउ नहीं है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। बहुत लोग चालाकी दिखा रहे हैं, यार मेरा तो अप्रूव हो गया, किसी और का पैन कार्ड लगा दिया अप्रूव हो गया, लेकिन हो सकता है कि बाद में आपको इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़े। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।